नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। स्वच्छता का संदेश देने को गली गली घूम रहे हैं बॉलीवुड स्टार संजय मिश्रा। शहर को स्वच्छता का संदेश देने के लिए बॉलीवुड अभिनेता और पटना नगर निगम के गुडविल एम्बेसडर संजय मिश्रा गली गली घूम रहे हैं। पटना नगर निगम के गुडविल एम्बेसडर बनने के बाद संजय मिश्रा ने नागरिकों को जागरूक करने की पूरी पहल शुरू कर दी है, जिससे स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना की रैंकिंग बढ़ सके। संजय डोर टू डोर वाहन पर खुद सवार होकर पटना वासियों को डोर टू डोर वाहन में कचरा डालने का संदेश दे रहे हैं। खुद झाड़ू उठाकर गलियों की सफाई करते भी वो देखे जा रहे हैं। हर तरह से पटना वासियों को स्वच्छता के लिए खुद आगे आने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान जो लोग जागरूक नहीं दिखते, उन्हें संजय मिश्रा खुद सफाई का महत्व बताते हैं। इसके साथ ही संजय मिश्रा ढाबा ठेला और रेस्टोरेंट जाकर पूछते हैं कि कचरा कहां फेंकते हैं, इस बात की भी वो जानकारी ले रहे हैं। पूर्वी चंपारण के रक्सौल स्थित भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था हुई सख्त। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा व्यवस्था का डीएसपी सागर कुमार ने जायजा लिया, जिसकी जानकारी अनुमंडल पुलिस कार्यालय ने भी दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए डीएसपी सीमावर्ती थाना क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने गए थे। इसके लिए थानाध्यक्षों को पहले से ही आवश्यक दिशा निर्देश जिला पुलिस कप्तान ने दे दिया था, जिसमें नियमित वाहन जांच करने का आदेश दिया गया था। साथ ही अफवाह फैलाने वालों और सोशल मीडिया पर गलत बातें लिखने वालों की पहचान भी की जा रही है। आपको बता दें, भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने विशेष सतर्कता का निर्देश दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली थी कि भारत विरोधी संगठन चुनाव के दौरान कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव की। शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव का जन्म 26 अक्टूबर 1936 को बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव बिहार के पूर्व भारतीय राजनीतिज्ञ है। उनका जन्म चौसा भोजपुर जिले में हुआ था। 1980 में वो बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे और 1989 में वो बिहार के पटना निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। उन्हें साल 2003 में पद्मश्री के सम्मान के प्राप्तकर्ता थे। हालांकि उन्होंने साल 2006 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। साझा की गई जानकारी के अनुसार 12 फरवरी 2006 को उन्होंने आखिरी सांस ली थी। बिहार विधानसभा चुनाव में 71 सीटों के लिए आज थम जाएगा प्रचार का शोर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत बस कुछ ही दिन दूर है, वहीं चुनाव प्रचार का शोर आज थमने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार आज शाम तक 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए 71 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए प्रचार प्रसार थम जाएंगे। प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। कोविड-19 में हो रहे चुनाव में इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए कोविड-19 गाइडलाइन का पूरा निर्देश पालन करने को कहा गया है। इतना ही नहीं, यह भी साफ कहा गया है कि इसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस बार चुनाव का आयोजन करवाना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि कोविड-19 के कारण लोगों के मन में भ्रम की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि आयोग अपनी तरफ से बार बार यह साफ कर रहा है कि वोट देने आने वाले प्रत्याशियों को किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। वोटरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। बिहार चुनाव से पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होने वाला है, वहीं इसको लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। हालांकि सबसे बड़ी परेशानी चुनाव आयोग की है, क्योंकि आयोग के सामने सभी मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लेकर आना है। ऐसे में चुनाव आयोग हर संभव कोशिश करके मतदाताओं के मन में बन रहे हर आशंका को दूर करने की पहल में जुट गया है। इसी क्रम में आयोग ने मतदान के लिए मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, जिसके तहत अब कोई भी मतदाता 1950 या जारी किए गए पीडब्ल्यूडी ऐप पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आयोग की तरफ से साझा किए गए हेल्पलाइन नंबर और ऐप का मकसद मतदाताओं को चुनाव से संबंधित सारी आवश्यक जानकारियां मुहैया करवाना है, ताकि उन्हें किसी भी किस्म की दिक्कत न आए। जेपी नड्डा ने 10 लाख नौकरी देने के तेजस्वी यादव की घोषणा को बताया जुमला। बिहार विधानसभा चुनाव का फैसला अब बस कुछ ही दिन दूर है। बिहार में गांव गांव हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं और रोजगार, सुशासन, फ्री वैक्सीन, पलायन से लेकर कई मुद्दों पर लगातार बातचीत भी हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना लौटते ही मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैं अखबारों के जरिए नहीं, व्यक्तिगत रूप से यहां की मिट्टी को पहचानता हूं, यहां के लोगों का दर्द समझता हूं और इसलिए कह सकता हूं कि डबल इंजन की सरकार बिहार के लिए जरूरी है। हाल ही में संगठन में बड़े बदलाव के लिए सबको चौंका चुके नड्डा ने यह संदेश दिया है कि भाजपा के अंदर अगले 20 साल का खाका तैयार हो गया है। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने इस दौरान तेजस्वी यादव की तरफ से किए गए 10 लाख की नौकरी देने के वादे को भी जुमला करार कर दिया है। प्याज की माला लेकर प्रचार करने निकले तेजस्वी। बिहार में पहले चरण में मतदान में बस एक ही दिन का समय बचा है, वहीं चुनावी तैयारियां भी जोर पर है। सभी दल के नेता अपनी अपनी तैयारियों में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज 3 जनसभाओं का संबोधन किया है। इसी के साथ आज का चुनाव प्रचार भी थम चुका है। वहीं आज तेजस्वी यादव का भी अनोखा अंदाज देखने को मिला, जिसके तहत आज सुबह तेजस्वी मीडिया के कैमरे के सामने घर से निकले तो उनके हाथ में प्याज की माला देखने को मिली। इस माले को दिखाते हुए तेजस्वी ने महंगाई पर अपनी बात रखी है, साथ ही सरकार पर तीखा निशाना भी साधा है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में गरीबी और महंगाई
एक साथ बढ़ रही है। खाने पीने की चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ये माला आखिर किसको पहनाए, ढूंढो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी क्यों साध रखी है। रवि किशन ने चुनाव को नीतीश कुमार से माफी मांगने की दी नसीहत। चुनावी सरगर्मी के बीच बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में भाजपा सांसद रवि किशन ने भी बिहार में जारी राजनीतिक उठापटक पर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने एनडीए और लोजपा के बीच जारी खींचतान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्होंने कहा कि 15 साल में एक दाग एक कलंक नहीं नीतीश कुमार के ऊपर नहीं लगा है। उनको किस लिए सलाखों के पीछे भेजेंगे? ईमानदारी की, नेतागिरी की, युवाओं को बचाया, क्या इसीलिए सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे? सीएम पर इस तरह का आरोप गलत बात है। चिराग पासवान को माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर भी कई बातें कही, जिसके तहत उन्होंने कहा कि तेजस्वी की रैली में हुड़दंगी आते हैं और चिराग ओछी बातें करते हैं। इसके साथ ही रवि किशन ने उद्धव ठाकरे को भी निशाने पर लिया। कुशवाहा ने मुख्यमंत्री बनते ही 4 उपमुख्यमंत्री बनाने का किया दावा। बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत अब बस एक दिन के बाद होने वाली है। वहीं चुनाव को लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि इस बार का चुनाव भी काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार मैदान में मुख्यमंत्रियों की रेस में खड़े उम्मीदवारों की कतार लंबी है। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री उम्मीदवार में से एक रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी सत्ता में आने के बाद 4-4 उपमुख्यमंत्री को बनाने की बात कह दी है। मिली जानकारी के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान यह घोषणा किया है कि बिहार में हमारी सरकार आती है तो हम 4 उपमुख्यमंत्री बनाएंगे। चुनावी रैली पर जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर उपेंद्र कुशवाहा ने उक्त बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि हम 4 उपमुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसमें एक महिला उपमुख्यमंत्री भी जरूर होगी। एनडीए विधायकों के विरोध में नहीं दिख रहा कोई कमी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की नाराजगी एनडीए नेता के खिलाफ खुलकर सामने आने लगी है। जहां भी प्रत्याशी वोट मांगने जा रहे हैं, वहां उन्होंने लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में दरभंगा जिले में भी एक नेता के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के विधायक और जदयू उम्मीदवार शशिभूषण हजारी और दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में 4 बार विधायक रह चुके भाजपा के संजय सारावगी के प्रति लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन शशिभूषण हजारी रात को जनता के बीच पहुंचे थे। पघारी गांव में वोट मांगने गए विधायक जी का पोस्टर तक लोगों ने फाड़ दिया। साथ ही ग्रामीणों ने नेताजी से उनके 10 साल का हिसाब तो मांगा ही, साथ ही धक्का मुक्की भी करते नजर आए। चिराग ने पकड़े जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक को सलाखों के पीछे भेजने की कही बात। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं लोजपा प्रमुख चिराग पासवान भी चुनावी रंग में पूर्ण रूप से रंगे नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान एक भी मौका नहीं गंवाते हैं सत्ताधारी पार्टी पर तंज कसने का। इसी क्रम में चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार और उनके 7 निश्चय योजना को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा कि योजना में केवल भ्रष्टाचार ही हुआ है। अगर सरकार में आए तो इस मामले के तह तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी दोषी पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही क्यों न हो। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार बनते ही हर भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे। हालांकि भाजपा ने चिराग पासवान को 2 टूक नसीहत देते हुए साफ कहा है कि चिराग बोलने से पहले एक बार जरूर सोचे। मान्यता दत्त ने शेयर किया पति संजय दत्त का वीडियो। दशहरा के मौके पर मान्यता दत्त ने पति संजय दत्त के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट के जरिए मान्यता ने संजय को अपना राम बताया है, और साथ ही यह भी बताया है कि कैसे मुश्किल दिनों में भी संजय दत्त ने कभी हार नहीं मानी। मान्यता ने लिखा है कि यह दशहरा उन्हें डेडिकेट करना चाहती हूं, जो न सिर्फ मेरे बल्कि कई लोगों के लिए प्रेरणा है। जिंदगी ने उन्हें कई मुश्किलों में डाला, लेकिन उन्होंने हमेशा धैर्य और प्यार के साथ हर मुश्किल का सामना किया। जैसा हम सोचते हैं कि अब शांति है, तभी जिंदगी एक और चैलेंज दे देती है। आज संजय ने फिर साबित कर दिया है कि पॉजिटिव दिमाग हर मुश्किल से मुश्किल लड़ाई को जीत सकता है। उन्होंने आगे लिखा कि संजू के जैसा कोई नहीं है, आप मेरी ताकत है, मेरा गर्व है, मेरे राम है। मान्यता ने इस मैसेज के साथ संजय दत्त का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वो आरती करते नजर आ रहे हैं। आज पंजाब और कोलकाता के बीच में होगा मुकाबला। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण में आज का मैच किंग्स इलेवन पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाला है। दोनों टीमों के बीच पहले एक मुकाबला हो चुका है। इस मैच में कोलकाता की टीम ने पंजाब को 2 रनों से हराया था। कोलकाता की टीम 11 में से 6 मैच जीतकर अंक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच चुकी है। वहीं पंजाब की टीम 11 में से 5 मैच जीतकर 6ठे स्थान पर मौजूद है। हालांकि आज यह दोनों टीम जीत के इरादे से ही मैदान में उतरेंगे, जहां कोलकाता की टीम अभी भी प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई मानी जाएगी। वहीं किंग्स इलेवन पंजाब को अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए आज का मैच बेहद अहम होगा। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 79 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 45,149 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 79,09,960 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 480 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,19,014 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है। जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में
गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि भारत में अब तक कुल मिलाकर 71,37,229 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 6,53,717 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज पंजाब और कोलकाता में से किस टीम की जीत होगी? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।